नमस्कार दोस्तों, रोजगार वेदांग की चैनल पे मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम वोकैब की क्लास 12 करेंगे। अभी हम क्लास 11 से, वोकैब की जो क्लास 11 है उससे हमने शुरू किया है 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम नीतू सिंह बुक। और इसमें मैंने चार कैटेगरी में बांट दिया है सारे 500 के 500 वन वर्ड्स को, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट फॉर रीडिंग सीरियसली एंड फॉर रीडिंग कैजुअली, मतलब ऐसे ही एक दो बार रिवाइज करने के लिए। तो ये किस किस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फिर नीचे भी दिया गया है, आप एक बार देख लीजिए। मेनली हम जो दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल का जो हमारा बैच है उसे ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, बाकी ये 500 के 500 SSC CHGL CHSL सभी में काम आएंगे। तो लास्ट मिनट रिविज़न के लिए भी ये बहुत बढ़िया क्लासेज हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। वन हु गिव्स फाइनेंशियल हेल्प टू ए स्कूल हॉस्पिटल एक्सेट्रा, स्कूल वगैरह को जो फाइनेंशियल हेल्प देते हैं उन्हें बोलते हैं बेनिफैक्टर, धर्मोपकारी, ठीक है। वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स, जो किताबों से प्रेम करता है और उन्हें इकट्ठा करता है उसे बोलते हैं बिब्लियोफाइल। क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी। दैट विच हैपन्स वंस इन टू ईयर्स, जो दो साल में एक बार हो उसे बोलते हैं बाइनियल। बाई का मतलब होता है टू, ठीक है, बाई का मतलब टू। तो बाइनियल माने जो दो साल में एक बार हो, और इसका एक दूसरा और इससे रिलेटेड है दैट हैपन्स ट्वाइस ए ईयर, तो होता है बाई एनुअल। यानी एनुअल का मतलब होता है सालाना, साल में जो दो बार हो बाई एनुअल, और जो दो वर्ष में एक बार हो बाइनियल, ठीक है। द कस्टम ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और टू हस्बैंड्स, दो पत्नी या पति रखने का यानी दो शादी करने का जो वो है कस्टम उसे बोलते हैं बाई गैमी। गैमी भी देखिए, गैमी मैरिज से संबंधित है, गैमी माने मैरिज और बाई माने टू, दो मैरिज हुई है तो बाई गैमी। वन हु इज फिल्ड विद नैरो एंड प्रिजुडिस्ड ओपिनियन, जिसकी किसी चीज के बारे में नैरो माने संकीर्ण, ठीक है, सोच बहुत संकीर्ण है, और प्रिजुडिस्ड माने पहले से ही पक्षपातपूर्ण है। किसी विषय के बारे में, मान लो कोई विषय है उस पर डिबेट होनी है, और आप पहले से उसके बारे में थोड़ा नैरो सोचते हैं, नैरो माइंडेड हैं, और पहले से ही आप प्रिजुडिस्ड हैं, यानी कि पहले से ही किसी एक चीज का आप पक्ष लिए हुए हैं, तो उस मामले में उस टाइप के लोगों को बोलते हैं बाइगॉट, यानी कि कट्टर। वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, बाइलिंगुअल, जो दो, इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंट है, जो दो भाषाओं में हो उसे बोलते हैं बाइलिंगुअल, ठीक है, जो दो भाषाओं में कोई चीज है उसे बोलते हैं बाइलिंगुअल, ठीक। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाई समवन एल्स, किसी और के द्वारा जो लिखी जाती होती है बायोग्राफी, इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था ऑटोबायोग्राफी, यानी कि जो खुद लिखता है, ऑटो माने खुद, ऑटोबायोग्राफी का मतलब द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, और द हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स उसे बोलते हैं हम बायोग्राफी। एनिमल्स विद टू फीट, दो पैरों वाले जो जानवर हैं उसे बोलते हैं बाइपैड, ठीक है, और चार वाले को बोलते हैं क्वाड्रपैड, ठीक है, चार वाले को क्वाड्रपैड। स्पीकिंग इररेवरेंटली, इररेवरेंटली माने सम्मान से ना बोलना, असम्मान पूर्वक बोलना, अबाउट गॉड भगवान के बारे में, और सैक्रेड थिंग्स या पवित्र चीजों के बारे में, सैक्रेड माने पवित्र, भगवान या पवित्र चीजों के बारे में अगर बोला जाता है कैसा, असम्मान पूर्वक, तो उसे बोलते हैं ब्लास्फेमी, ठीक है, ब्लास्फेमी। परफेक्ट हैप्पीनेस ब्लिस, चरम सुख, परफेक्ट हैप्पीनेस यानी जहां पे खुशी अपने चरम पे हो उसे बोलते हैं ब्लिस, यानी कि चरम सुख। आगे देखिए, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल नॉर्म्स ऑफ सोशल लाइफ, जो सामाजिक जीवन के जो नॉर्मल तौर तरीके हैं ना उनको फॉलो नहीं करता उसे बोलते हैं बोहेमियन। बोहेमियन माने स्वेच्छाचारी, एक तो होता है जो जैसे समाज कहता है उसी हिसाब से चलने वाला, एक होता है अपनी मर्जी से चलने वाला, तो बोहेमियन उसे बोलते हैं स्वेच्छाचारी को। वन हु इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स, जो इंटरेस्टेड माने जिसकी रुचि है इन रीडिंग बुक्स, किताबों को पढ़ने में केवल, एंड नथिंग एल्स और किसी चीज में नहीं, उसे बोलते हैं बुक वॉर्म, यानी बिब्लियोफिलिक या बुक वॉर्म, ठीक है, पुस्तक प्रेमी, पुस्तकों से बहुत ज्यादा प्रेम करने वाला। पर्सन हु इज रफ एंड इल मैनर्ड, यानी जिसके तौर तरीके रफ है, ठीक है, गंवार, बुरिश, पर्सन हु इज रफ एंड इल मैनर्ड उसे बोलते हैं बुरिश। द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, वनस्पतियों के जीवन से संबंधित जो विज्ञान है उसे बोलते हैं बॉटनी, वनस्पतियों के जीवन से संबंधित, ठीक है, जो विज्ञान है उसे बोलते हैं बॉटनी। ए थिंग विच कैन बी इजिली ब्रोकन,
एक ऐसी चीज जिसे आसानी से, इजीली माने आसानी से, ब्रोकन माने तोड़ा जा सके, तो उसे बोलते हैं ब्रिटल। ब्रिटल माने भंगुर। ए थिंग दैट या विच कैन बी इजीली ब्रोकन। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, ऐसी गवर्नमेंट जिसे ऑफिसर्स ही चलाते हैं ज्यादातर, ठीक है, उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। ए सीरीज ऑफ ए टाइप ऑफ डांस परफॉर्मेंस, एक तरह की, एक निश्चित तरह की डांस परफॉर्मेंस होती है ना, उसकी जो एक सीरीज है, श्रृंखला है, उसे बोलते हैं कैबरे। ठीक है, क्या बोलते हैं? कैबरे। द ड्राइवर ऑफ ए टैक्सी कैब, एक टैक्सी कैब के ड्राइवर को बोलते हैं कैबी या कैब ड्राइवर। कैबी या कैब ड्राइवर, द ड्राइवर ऑफ ए टैक्सी कैब। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट, मैंने इस सब में, ये आर रीडिंग सीरियसली, इन सब की मैंने दी हुई है आपको ग्रेडिंग। मेरे हिसाब से जो मेरा अपना अनुभव है, उसके आधार पे मैंने इसकी ग्रेडिंग दी हुई है कि कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सा उससे कम, कौन सा उससे कम। अब आपको पढ़ना कैसे है ये, कि अगर आप मोस्ट इंपोर्टेंट वाले को 3 बार पढ़ते हैं, तो इंपोर्टेंट वाले को 2 बार पढ़ लीजिए साथ में, रीडिंग वाले को 1 बार पढ़ लीजिए, ठीक है, या मोस्ट इंपोर्टेंट वाले को 4 बार पढ़ते हैं, इंपोर्टेंट वाले को 3 बार पढ़ लीजिए, रीडिंग वाले को 2 बार पढ़ लीजिए, और जो केवल नॉर्मल टिक लगा हुआ है, राइट का निशान लगा हुआ है, उसे 1 बार पढ़ लीजिए, ठीक है। यानी ए 2 बार, जब यहां पहली बार जो पढ़ेंगे केवल मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ लिया, ठीक है, दूसरी बार में मोस्ट इंपोर्टेंट और इंपोर्टेंट दोनों पढ़ लिया, तीसरी बार में मोस्ट इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट और ये वाला पढ़ लिया, और चौथी बार में सारे के सारे पढ़ लिए, ठीक है। आगे देखिए, हार्श साउंड, जो ऐसा कटु यानी जो कानों में लगता हो, ऐसी जो आवाज है, उसे बोलते हैं कैकोफोनी। क्या बोलते हैं? कैकोफोनी, कोलाहल, ठीक है। परसुएड माने किसी को मनाना बाई फ्लैटरी, चापलूसी करके। परसुएड बाई फ्लैटरी यानी कि चापलूसी करके किसी को मनाना, उसे बोलते हैं कैजोल। क्या बोलते हैं? कैजोल। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग की कला, यानी बहुत सुंदर जो लिखावट होती है ना, उसकी जो कला है, उसे बोलते हैं कैलीग्राफी, सुलेखन। दैट ईट्स वंस ओन स्पीसीज, असलियत में ये होता है जो ह्यूमन फ्लैश खाता है, जो ह्यूमन यानी मानव का फ्लैश खाता है, ह्यूमन फ्लैश जो खाता है, उसे बोलते हैं असलियत में कैनिबल। कैनिबल माने नरभक्षी, ये होना चाहिए था मेन, नरभक्षी। तो वो आए तो भी ठीक है, और ये वाला आए तो भी ठीक है। एन अंडरग्राउंड प्लेस वेयर पीपल आर बरीड, एक अंडरग्राउंड में ऐसा, ऐसी जगह जहां पे लोगों को बरी माने दफनाया जाता है, दबाया जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं कैटाकॉम। क्या बोलते हैं? कैटाकॉम। इसका एक दूसरा मीनिंग भी है, एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंटर रिलेटेड थिंग्स, एक दूसरी चीजों से रिलेटेड जो चीजें हैं उनका एक सेट, ठीक है, उसे भी बोलते हैं हम कैटाकॉम। कैटाकॉम। ओवरटर्न इन वाटर, पानी में कोई चीज अगर ओवरटर्न इन वाटर, पानी में कोई चीज पलट जाती है, तो उसे बोलते हैं कैप्साइज। क्या बोलेंगे? कैप्साइज, ठीक है। जैसे मान लो नाव है, चलते चलते वो पलट जाए, पलटने के बाद डूब जाती है, तो उसे बोलते हैं कैप्साइज। किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत बड़ी मात्रा में जब लोगों को मारा जाता है, उस किलिंग को बोलते हैं कार्नेज, हत्याकांड, ठीक है, नरसंहार, ठीक है। पब्लिक मैरी मेकिंग एंड फीस्टिंग, जो आमतौर पे पब्लिकली कोई किसी चीज की खुशी मनाई जाती है ना, उधर उसे बोलते हैं कार्निवल, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? कार्निवल, ठीक है। आगे, आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, मैप बनाने की जो कला है, उसे बोलते हैं कार्टोग्राफी। क्या बोलेंगे? कार्टोग्राफी। ग्राफी माने होता है एक तरह से, हाँ, अध्ययन टाइप, बनाना किसी चीज को, ठीक है। आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स, किताबों की और दूसरे आर्टिकल, दूसरे चीजों की जो वो होती है ना लिस्ट, उसे बोलते हैं कैटालॉग। क्या बोलते हैं? कैटालॉग। वन हु हैज टेकन अ वो नॉट टू हैव सेक्स, इसे बोलते हैं सेलिबेट, ब्रह्मचारी। द प्लेस फॉर कॉर्पसेस टू बी बरीड, जहां पे जो प्लेस, स्थान फॉर कॉर्पसेस, जहां शवों को दफनाया जाता है, दबाया जाता है, तो उसे बोलते हैं सिमेट्री। क्या बोलते हैं? सिमेट्री, और हिंदी में बोलते हैं कब्रिस्तान, ठीक है। 100th एनिवर्सरी, किसी चीज की 100वीं जो शताब्दी वो मनाई जाती है ना, 100वीं वर्षगांठ जो मनाई जाती है, उसे बोलते हैं शताब्दी, उसे बोला जाता है अंग्रेजी में सेंटेनरी। क्या बोला जाता है?
सेंटेनरी, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम, जो टाइम के सीक्वेंस के अनुसार चले, टाइम के क्रम के अनुसार चले, ठीक है, उसे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल, ठीक है। क्रोनोलॉजी किसी भी चीज की, जैसे मान लो अब दिल्ली की गद्दी को ले लें, पहले कौन था, फिर कौन आया, फिर कौन आया, मान लो मुगल ही है, मुगल में पहले कौन था, बाबर आया, फिर जहांगीर आया, ठीक है, उसके बाद बाबर के बाद वो आया, क्या बोलते हैं उसे, हुमायूं, ठीक है, हुमायूं के बाद कौन आया, अकबर आया, तो इस टाइप से जो क्रम है ना, इसे बोलेंगे क्रोनोलॉजी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम जब इस तरह से चीजें रखी जाती हैं तो उसे बोला जाता है क्रोनोलॉजिकल। ए राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, किसी बात को कहने का घुमा फिराने का तरीका, किसी बात को जो कहते हैं ना कोई घुमा फिरा के, उसको बोलते हैं सरकमलोकेशन, सरकमलोकेशन, ठीक है। द प्लेस फॉर लगेज एट ए रेलवे स्टेशन, किसी रेलवे स्टेशन पे सामान के लिए जो जगह होती है ना, उसे बोलते हैं क्लॉक रूम, क्या बोला जाता है, क्लॉक रूम। कंपेल टू ए कोर्स ऑफ एक्शन, किसी काम को करने के लिए किसी को अगर बाध्य किया जाए, कंपेल माने बाध्य करना, ये वर्ब है, बाध्य करना किसी चीज को, ठीक है, किसी को कोई काम करने के लिए बाध्य जो करते हैं उसके लिए वर्ड यूज होता है कंपेल। तो कंपेल टू ए कोर्स ऑफ एक्शन, कुछ करने के लिए अगर किसी को बाध्य किया जाता है तो उसे बोला जाता है कोर्स, क्या बोला जाता है, कोर्स। हैविंग द सेम सोर्स और ओरिजिन, ओरिजिन जिसकी सेम माने एक जैसा, सोर्स और ओरिजिन जिसका उद्गम यानी जो एक ही जगह से निकल के आए हैं, जिनकी उत्पत्ति एक ही जगह से है, उसे बोलते हैं कॉग्नेट, क्या बोला जाता है, कॉग्नेट का मतलब है जिनकी उत्पत्ति एक ही जगह से है, ठीक है। पर्संस वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, ऐसे व्यक्ति जो एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उन्हें बोला जाता है कलीग्स, ठीक है, बहुत जगह आपने सुना होगा कलीग माने जो साथ करने साथ काम करने वाले लोग हैं उनको बोला जाता है कलीग्स, ठीक है। सीक्रेट एग्रीमेंट, सीक्रेट माने छुपा हुआ, एग्रीमेंट माने समझौता, फॉर ए फ्रॉडुलेंट पर्पज, किसी गलत काम के लिए, फ्रॉड के लिए, ठीक है, ऐसा कुछ गलत काम करने के लिए जो एक गुप्त संधि होती है लोगों के बीच में, उसे बोलते हैं कॉल्यूजन, क्या बोला जाता है, कॉल्यूजन, क्या बोला जाता है, कॉल्यूजन। ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर, ह्यूज माने बहुत विशाल, डिस्ट्रक्टिव माने डिस्ट्रक्शन माने क्या होता है, विनाश करने वाला, ठीक है, तो बहुत बड़े पैमाने पर विनाश करने वाली जो फायर माने आग होती है ना, उसे बोला जाता है कॉन्फ्लेग्रेशन, भीषण अग्निकांड। ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर का मतलब है कॉन्फ्लेग्रेशन, भीषण अग्निकांड, ठीक है। गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स, गैदरिंग माने इकट्ठे होते हैं जहां, ठीक है, वर्शिप माने पूजा करने वाले, उसे बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन। आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, आइडेंटिकल माने सेम हो, जो एक जैसे हो, ऑल रिस्पेक्ट हर तरह से, जो हर तरह से एक जैसे हो, कॉन्ग्रुएंट, क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट, जैसे सर्वांगसम, सर्वांगसम त्रिभुज वगैरह भी बोलते हैं ना, तो सर्वांगसम। आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, वन हु इज वेल वर्स्ड इन एनी सब्जेक्ट और आर्ट, किसी सब्जेक्ट माने विषय या कला का जो बहुत पारखी हो, उसके बारे में अच्छी तरह से जिसे जानकारी हो, उसे बोलते हैं कनेजियर, क्या बोलेंगे, कनेजियर, यानी कि कला का पारखी। कंपल्सरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री और अदर सर्विसेज, मिलिट्री या किसी और सेवा के लिए कंपल्सरी जहां पे इनलिस्टमेंट कराना, अपना नाम लिखाना जरूरी हो, यानी वो सेवा के लिए कहीं पे, मान लो जैसे मिलिट्री है, ये कर दिया जाए कि मिलिट्री में 5 साल के लिए सेवा देनी ही आपको है, 5 साल आपको नौकरी करनी ही पड़ेगी, अगर आपको मतलब कुछ भी करना है तो उससे पहले 5 साल के लिए मिलिट्री में आपको कंपल्सरी अपना नाम रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है, या कोई और ऐसी सेवा हो जहां आपको कंपल्सरी कोई चीज करनी पड़ती हो तो उसे बोलते हैं कंस्क्रिप्शन, क्या बोलेंगे, कंस्क्रिप्शन। विच स्प्रेड्स बाई फिजिकल टच और कॉन्टेक्ट, जो फैलती है, विच माने जो, स्प्रेड माने फैलती है, भाई फिजिकल टच, कोई शारीरिक तौर पे अगर किसी को टच कर ले या कॉन्टेक्ट, ठीक है, जो शारीरिक यानी शरीर के संपर्क में आने से जो फैलती है उसे बोलते हैं कंटेजियस, संक्रामक, क्या है वो, कंटेजियस यानी कि संक्रामक। ऑफ द सेम टाइम, कोई व्यक्ति है या कोई चीज है या कोई इवेंट है जो एक ही समय का हो उसे बोलते हैं कंटेम्परेरी, समकालीन, एक ही वक्त के, ऑफ द सेम टाइम, कंटेम्परेरी।
टू कंट्रीज और स्टेट्स टचिंग ए कॉमन बाउंड्री, दो देश टचिंग ए कॉमन बाउंड्री जिनकी बाउंड्री कॉमन हो, ठीक है, तो उन्हें बोलेंगे कंटीगुअस. क्या बोलेंगे? कंटीगुअस. शोइंग डीप सोरो फॉर रॉन्ग डूइंग, शोइंग माने दिखाना, डीप सोरो माने गहरा, सोरो माने दुख, फॉर रॉन्ग डूइंग यानी जो कोई किसी ने गलत काम कर दिया उसके बाद वो उसके लिए बहुत ज्यादा दुख दिखाए तो क्या बोलते हैं उसे? कोई गलत काम करने के बाद अगर उस काम पे किसी को दुख होता है तो उसे बोलते हैं पश्चाताप. तो ठीक है, इसे बोलेंगे कंट्राइट. क्या बोलेंगे? कंट्राइट, पश्चाताप. ठीक है. द पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ आफ्टर इलनेस, बीमारी के बाद जब धीरे धीरे आदमी ना ग्रेजुअल धीरे धीरे रिकवर होता है, ठीक है, जब उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे रिकवर होता है तो उसे बोलते हैं कन्वालसेंस. क्या बोलेंगे? कन्वालसेंस. ठीक है. द पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ आफ्टर इलनेस. सीक्रेट एंड इलीगल रिलीजियस मीटिंग, सीक्रेट माने गुप्त, इलीगल माने गैर कानूनी, रिलीजियस माने धार्मिक, मीटिंग माने सभा. ठीक है. किसी मतलब गुप्त और गैर कानूनी जो धार्मिक सभा होती है उसे बोलते हैं कन्वेंटिकल. क्या बोलेंगे? कन्वेंटिकल. ठीक है. तो दूसरी क्लास थी, पहले में हमने 60 किए, आज हमने 50 किए, टोटल हमें करने हैं 110. तो आप, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, 15-16 मिनट है, तो 15-16 मिनट में अगर 50-60 इसके अलावा आपको और मीनिंग भी मिलते हैं, जैसे आइडेंटिकल माने सेम है जो, गैदरिंग माने इकट्ठा होना, वर्शिपर्स माने पूजा करने वाले, ठीक है, वेल वर्स्ट माने किसी चीज़ की अच्छी जानकारी होना, ठीक है. तो इस तरह से आपको सौरव माने दुख, ठीक है, ग्रेजुअल माने धीरे धीरे, रिकवरी माने किसी चीज की जो रिकवरी होती है, ठीक है, यानी कि किसी चीज में पुनः प्राप्ति, ठीक है, रिकवरी का मतलब है पुनः प्राप्ति, रिलीजियस माने धार्मिक, ठीक है, सीक्रेट माने गुप्त. तो इस तरह से ये आपको ना 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो मिल ही रहे, इसके साथ साथ कुछ और जो वर्ड हैं उनकी भी हिंदी जानकारी मिल रही है. इसके अलावा फिर बाद में आप बुक से पढ़ोगे तो ये चीजें आसान लगने लग जाएंगी, ठीक है. तो इसलिए ये एक बार 15-16 मिनट की वीडियो आप जरूर देखिए, बहुत आपके काम आने वाली है. बाकी साथ साथ में हमारी ग्रामर भी चल रही है, अभी जो ग्रामर में है चैप्टर वो है वर्ब बेसिक, ठीक है, वर्ब के बाद टेंस चलेगा, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, तो आप ज़रूर फॉलो करिए. अगर आपको इससे ही लगा है आपको क्लास ये, तो इसे लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है. इसके अलावा ये जो वन वर्ड का पूरा PDF है वो शेयर कर दिया गया है आपके अंगिरा कोचिंग जो टेलीग्राम चैनल है उस पे, और रोजगार विदंकित पे भी शेयर कर दिया गया है. तो जिन्होंने अभी नहीं किया है अंगिरा कोचिंग या रोजगार विदंकित, दोनों में से कोई भी टेलीग्राम चैनल वो कर लीजिए. अंगिरा कोचिंग में केवल अंग्रेजी का ही ज़्यादातर मटेरियल डाला जाता है, जबकि रोजगार विदंकित पे जितना भी हमारा सारा मटेरियल है सब डाला जाता है. तो आप दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कई बार जो इंग्लिश का कुछ मटेरियल है वो ऐसा भी होता है कि वो रोजगार विदंकित पे नहीं डाल पाता हूँ. तो इसलिए ये ज़रूर कर लीजिए आप ज्वाइन. जिनको नहीं होता है वो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, टेलीग्राम चैनल पे अपना अकाउंट बनाइए, उसके बाद अंगिरा कोचिंग केवल उसमें सर्चिंग में डाल दीजिए तो आ जाता है वहीं पे, और वहीं उसके ज्वाइन का ऑप्शन होता है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है. तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद.